घर के हालात कुछ ऐसे थे कि आधा घर हमें किराए पे देना पड़ा। और किस्मत देखो कि घर को किराए पे लेने आई दो लड़कियाँ, वो दोनों बहनें थी। बड़ी बहन बहुत ही खूबसूरत थी और कॉलेज में पढ़ती थी, छोटी भी स्कूल में थी। स्टूडेंट होने की वजह से हमने उन्हें जल्दी से घर किराए पे दे दिया। मैं भी उन दिनों कॉलेज में ही पढ़ता था। उस उम्र के किसी भी लड़के की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मैं दुनिया जीत लूं। अपने नए पड़ोसी को देखकर मैं बहुत ही खुश था, पर बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे। लगता था कि कोई और लड़का उसकी जिंदगी में था। अपने मन को बार बार ये कहकर समझाता था कि यार वो तुझसे बड़ी है और वो कहाँ और तू कहाँ। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी कि बस देखते ही रहो। धीरे धीरे मैं उसके कॉलेज आने जाने का टाइम मन ही मन में नोट करने लगा। कोशिश करता कि मेन डोर में ही खोलूं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला। अब तक उसने भी मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैं उसे हर रोज देखता हूँ, पर कभी ज्यादा बात कर नहीं पाया। उसका भी इंटरेस्ट मुझ में बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद हमारी बात ज्यादा होने लगी और मैं उसके करीब और भी आ गया। घंटों उससे बातें होती थी और अब मुझे उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी सुनकर बुरा नहीं लगता था। पर मुझे कोई शक नहीं था कि मुझे उस लड़की से बेहद प्यार हो गया है, इतना ज्यादा कि आज 5 साल के बाद भी उसके बारे में सोचता हूँ तो एक सुंदर से एहसास में गिर जाता हूँ। दिन बीतते गए और फिर वो लम्हे आए जब हम देर रात तक बात करते थे। अगस्त की एक रात हम छत पर साथ में बैठे थे। उस दिन बहुत हसीन बारिश हो रही थी और किसी कारण से वो बहुत उदास थी। लग रहा था कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। मैं उसके साथ था, उसका हम साथी बनके। उसके दुख से दुखी न जाने कब हुआ कि बस वो बात करते करते रो पड़ी। उसको उस हालत में देखना मेरे लिए बहुत कठिन था। वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। न जाने वो कब तक रोई और कब चुप हुई, पर मैंने उसे अपनी आंखों से बाहर नहीं होने दिया। अब उसका चेहरा मेरे हाथों में था और हमने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी देर तक मैं उसे चूमता रहा और कितनी बार कहता रहा आई रियली लव यू। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का स्पेशल बॉयफ्रेंड था। जिंदगी कितनी हसीन लग रही थी। चाहता था कि सारी दुनिया को बताऊं कि आई रियली लव यू, पर हर बार ठहर जाता था। हम लोग और भी करीब आने लगे। मेरी दुनिया में अब सिर्फ वो ही थी। मेरी जिंदगी अब उसके बिना बेमानी थी। उसको पाना और उसके साथ सारी जिंदगी बिताना ही मेरा सपना बन गया था। एक दिन मेरे घर वाले शादी अटेंड करने शहर से बाहर गए। हम दोनों जानते थे कि उस रात हम दोनों जरूर मिलेंगे। फिर रात हुई। देर रात को वो छुपके छुपके मेरे कमरे में आई, हमेशा की तरह। मैंने उसे सो मच किया और उसे बताया कि आज मैंने उसको कितना मिस किया। उस वक्त हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। हम दोनों ही चाहते थे कि हम एक दूसरे में समा जाए। अब और इंतजार करना मुश्किल था। एक आग जो कई दिनों से जल रही थी उसको शांत करने का समय आ गया था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट चुके थे। हमें अलग करना अब संभव नहीं था। वो मेरे जीवन की पहली रात थी जब मैं अपने प्यार के साथ था। हम पूरी रात नहीं सोए, बस एक दूसरे को प्यार करते रहे। ऐसा लग रहा था कि रात खत्म हो जाएगी, पर प्यार नहीं। वो एहसास उसके कोमल होठों और उसका सुंदर बदन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद मेरे जीवन में ऐसी कई रातें आई। 6 महीने हम लोगों ने साथ में बिताए और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उससे हमारा घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे रोक ना पाया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। आज 5 साल के बाद भी उसके साथ बिताया हर पल मुझे ऐसे याद है जैसे कि कल की ही बात हो।
वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे। गलती की थी शायद मैंने ही एक कोई। हे गाइस, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना।